नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, बोल जनता बोल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं परसूडी के त्रिवेणी चौक के पास, यानी एक घनी आबादी वाला क्षेत्र, एक ऐसा बाजार जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिस बाजार पर निर्भर करते हैं। पर अगर हम इस बाजार के आसपास मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। कहने का मतलब है, मूलभूत सुविधाओं में सड़क, बिजली, पानी की अगर हम बात करें तो स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। सबसे पहले हम सड़क की बात करते हैं। जी हाँ, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क जो है 15 फीट का सड़क आज मात्र 6 फीट के सड़क में तब्दील हो चुका है। दूसरी चीज, सड़क के बीचों बीच गड्ढे को आप देख सकते हैं कि किस तरह से विभाग द्वारा, चाहे वो पीएचडी विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, विभाग के द्वारा सड़क के बीचों बीच गड्ढा किया गया और फिर उसे उसी हाल में छोड़ दिया गया। यानी 3 से 4 वर्षों से स्थानीय लोग जो है वो परेशान हैं, किस तरह से समस्याओं का समाधान होगा। लगातार पीएचडी कार्यालय का दौरा कर रहे हैं, लगातार बिजली विभाग के यहाँ जा रहे हैं कि इनकी समस्याओं का निदान हो, लेकिन निष्कर्ष जो है वो केवल शून्य ही इन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में स्थितियां जो है दिन प्रतिदिन विकराल हो रही है। 3 वर्षों से लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। दुकानदारों की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थितियां जो है वो काफी विकराल है। सड़क के बीचों बीच गड्ढा जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है, सड़क के बीचों बीच गड्ढा जो राहगीरों को परेशान कर रहा है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे स्थानीय लोगों को 2-4 होना पड़ता है। हम अभी फिलहाल कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे, जो आसपास के दुकानदार हैं वो हमें बताएंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह से पाइपलाइन को लेकर गड्ढा किया गया, किस तरह से सड़क के बीचों बीच गड्ढा किया गया और राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों, दुकानदारी में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने साथ कुछ दुकानदार हैं जो इस समय, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने वर्षों से स्थिति ये तो काफ़ी दिनों से स्थिति है। यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है और जो पाइपलाइन का काम चलता है खोद के छोड़ दिया जाता है। और उधर से कभी वर्षा पड़ा था तो जैसे मान कर चलिए दुकानदारी के लिए बहुत दिक्कत ही होती है हम लोग के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप दुकानदारी कर रहे हैं तो ऐसे में जो ग्राहक हैं आपके दुकान आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी। यहाँ पर थोड़ा खड़ा होने के लिए परेशानी हो जाती है। पहले कितना फीट चौड़ा सड़क था और आज कितना फीट हो गया? उतना तो अंदाजा नहीं लगा पा रहे जी। कहने का मतलब है कि दुकानदार जो हैं वो दुकानदारी कर नहीं पा रहे हैं, स्थानीय लोग हैं जो काफी परेशान हैं। आबादी क्षेत्र की बात की जाए तो 3 लाख आबादी है क्षेत्र की, तो ऐसे में स्थितियां जो हैं इतनी विकराल हो गई है कि लोग जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मजबूर हैं वो। हमारे साथ क्षेत्र के लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं, क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी है, किस तरह से उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार चक्रवर्ती। क्या करते हैं आप? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। शिक्षक हैं? शिक्षक। कितने वर्षों से क्षेत्र में रह रहे हैं? 35 साल हमारा इस जगह का कर्मभूमि है और हमारा उम्र 60 है, यही हमारा जन्म हुआ। अच्छा, मतलब परसूडी के मूल निवासी हैं आप, परसूडी क्षेत्र के। एक बात बताइए कि ये जो स्थिति है, सबसे पहले ये बताइए किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, क्या क्या परेशानी है क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में विकास का कोई नाम ही आज तक जगह नहीं। मुझे लगता नहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए सारी विभागीय अधिकारी, मुझे जितना अनुभव है वो अनुभवहीन है, क्योंकि अनुभव रहते हुए भी इस क्षेत्र के ऊपर उसका नजर कभी नहीं आया। एक बात बताइए कि आप 30 साल की बात कर रहे हैं, 35 साल से आप इस चीज को काफी करीब से देख रहे हैं। इन 35 सालों में कई बार विधानसभा का चुनाव हुआ, कई बार लोकसभा का चुनाव हुआ, थोड़े दिन पहले गांव की सरकार बनी, तो आप लगातार विधायक को चुन रहे हैं, सांसद को चुन रहे हैं, तो आप कैसे सांसद और कैसे विधायक को किस उम्मीद से चुन रहे हैं? देखिए, आज तक मुझे लगता नहीं झारखंड विधानसभा हो चाहे देश की लोकसभा में जो लोकसभा हो, इस अंचल का एक भी समस्या का ऊपर बातचीत या प्रश्न पत्र चिन्ह उठा नहीं। अगर प्रश्न उठता तो यहाँ का विकास के लिए अधिकारी तत्पर हो जाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने जितना भी विधायक का सांसद को चुना, इस परसूडी अंचल के लेके कोई प्रश्न है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो विधायक चुना, हमने अपना कर्तव्य को तो निर्वहन करा। यहाँ का जनता अभी ऐसा स्थिति में आ गया, जानवर से भी बद्ध स्थिति में जीवन यापन कर रहा। समस्याओं की है ना, पानी है ना, अच्छा शिक्षा व्यवस्था है।
आपको मालूम होगा यहाँ का बच्चा जितना भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में पढ़ता है यहाँ सरकारी महिला विद्यालय आज तक खुला नहीं। यानी तो यहाँ लगातार छोटा मोटा एक्सीडेंट हो ही रहा, उल्टा एक्सीडेंट होने के बाद आपस में लड़ाई चल रहा, उसको लेके थाना पर चल जाता, हम लोग आपसी विवाद को निपटाने का कोशिश कर रहा, भाई थाना का क्या ही है, हम लोग को थाना जाने का क्या जरूरत है, आपस में दो गाड़ी का टक्कर होता ये रोड के लिए होता, क्योंकि विभाग मतलब है। कहने का मतलब है कि सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के साथ अब आपस में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। क्या करते हैं आप संतोष जी? समाज सेवी है। समाज सेवी। संतोष जी एक चीज बताइए कि ये जो परसूड़ी क्षेत्र है, त्रिवेणी चौक जहाँ इस समय मौजूद है, ग्रामीण क्षेत्र है, बाजार है, तो इन क्षेत्रों में सड़क से संबंधित क्या कुछ समस्याएं हो रही है और किस कारण से हो रही है और अब तक निदान क्यों नहीं हुआ? देखिए, जैसा यहाँ का जो आबादी है, आबादी को देखते हुए सड़क का जो चौड़ीकरण होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि पूरा दुकान जो है, दुकान लगने के कारण कोई भी दुकान ऐसा नहीं है कि अगर दुकान नहीं खुलेगा तो लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा। और यह जो सड़क है, यहाँ से गोविंदपुर, आपको सरजामदा, हर तरफ से स्टेशन, हर तरफ से लोग यहाँ आना जाना करते हैं, आवागमन का साधन है ये, और जिसके कारण जो है हमेशा यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थिति ऐसा हो जाए कि यहाँ सोचिए कि ये परसूड़ी क्षेत्र में घंटों डेढ़ घंटों मोटरसाइकिल पार करने में समय लग जाता है, यहाँ जाम की ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या कारण है? सड़क जो है 16 फीट सड़क है, आज 6 फीट में तब्दील हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, अब इसके पीछे कारण यहाँ के, अब ये जो जो भी जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़े बड़े पद हासिल किए हुए हैं, क्योंकि जनता इससे त्रस्त है, जनता को जो लाभ पहुँचना चाहिए जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, और केवल सिर्फ यहाँ जनता को ठगने का काम किया जाता है। जब भी 5 सालों में जब चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में जनता जो है मूल रूप से ठगी जाती है, जनता को उसका समाधान नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है कि क्षेत्र में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जनता जो है जनप्रतिनिधि चुन रही है, लेकिन जो जो विश्वास और जो उम्मीद से वो जनता जनप्रतिनिधि को चुन रही है उस पर वो खरे नहीं उतर रहे। क्या नाम है आपका? अमृतलाल सेनापति। कहाँ हैं आप? शंकरपुर में। अभी एक बात बताइए, हम लोग यहाँ मौजूद हैं सड़क के बीचों बीच गड्ढा, जिस स्थिति को लेके आज हम लोग आए हैं, और दर्शक जो देख रहे हैं आपको, और लोग पूरे राज्य जो आपको देख रही है, तो ऐसे में क्या परेशानी, अपनी परेशानी को बताइए। सर, यहाँ हम 40 साल से रह रहे हैं, साइकिल लेके पार होना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, आदमी लोग यहाँ पब्लिक गाली देता है, उधर जाओ, ए उधर जाओ, और इस तरह से बहुत कुछ। यहाँ गड्ढा का क्या कारण है, जो रोड के बीचों बीच गड्ढे दिख रहे हैं उसके पीछे क्या कारण? ट्रैक्टर चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, पब्लिक चल रहा है, यहाँ पर कोई समाधान नहीं है। दुकान तो रोड का बीच में यहाँ पर दुकान ही लगा हुआ है। सर, क्या लगता है, क्या समस्या है? समस्या यहाँ का बहुत ही ज्यादा है। हम लोग का यहाँ का रोड का चौड़ीकरण बिल्कुल नहीं है। परसूड़ी जब हुआ था, बना था, उस समय से अभी तक हमारे यहाँ पे जितने भी मूल निवासी है उनमें संख्या में 10 गुना ज्यादा वृद्धि हो गई है, लेकिन रोड वही जो बना हुआ था 8 फुट का, वो आज भी 8 फुट का 8 फुट ही रह गया है। इससे जनता हमेशा परेशान रहती है। आप सोचिए, किसी को कोई बीमार है, एम्बुलेंस अगर उनको लेके अस्पताल जाना है और सामने से दो गाड़ी आ जाती है, तो एम्बुलेंस को 15 मिनट खड़ा करना पड़ता है ताकि रोड को खाली किया जाए। आज आप कहीं से भी ले लीजिए, जब हमारा परसूड़ी जो मकदमपुर से चालू होता है रेल लाइन के बाद से, और ये सारा क्षेत्र जो है हमेशा विकास से दूर रहा है, प्रशासन हमेशा हमसे सौतला व्यवहार करता रहा है। एक बात बताइए, क्षेत्र की आबादी कितनी है? क्षेत्र की आबादी अभी करीब मेरे मान के चलिए कि 3.5-4 लाख के आसपास है। बताया जा रहा है कि पीएचडी विभाग के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा गड्ढा किया गया, उसके बाद उस गड्ढे को नहीं भरा गया। हर सच्चाई है, हर बार कोई ना कोई विभागीय काम होता है यहाँ पे, और रोड को खोदने के बाद उसी हालत में रोड को छोड़ दिया जाता है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता है, उल्टा आम जनता को हमेशा परेशानी होती रहती है। क्या परेशान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ बाबूलाल चक्रवर्ती। कहाँ रहते हैं आप? सामाजिक सुधारक हूँ, परसूड़ी में रहते हैं। क्या परेशानी है? यहाँ का परेशानी अगर गिनाए तो दिन बीत जाए। सबसे बड़ा परेशानी यहाँ का है, एक तो 15 साल पहले 15 साल बाद रोड बना,
रोड बनने का 15 महीना नहीं बीता, बड़ा बड़ा मशीन आया रोड खोद दिया, क्या होगा? बोलता पानी का लाइन जाएगा, वो खोद के पूरा रास्ता को जो है तालाब बना दिया। दूसरी फिर आया एक लाइन, अब जाएगा बिजली का लाइन जाएगा, वो हर एक साइड रास्ता को तोड़ दिया, सब रास्ता देखिए बीचों बीच तोड़ा है, जबकि उसको टेंडर मिलता है तोड़ के बनाने के बाद ऊपर से ढलाई करके रास्ता को जैसा का तैसा करे, लेकिन कोई नहीं करता है। और इस विषय पर ना कोई पदाधिकारी सुनता है, ना कोई राजनेता सुनता है, आंख बंद करके रह जाता है, विकास तो यहाँ कोसों दूर रहता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अब आपने गांव की सरकार, आपके अभी कुछ दिन पहले गांव की सरकार बनी है, विधायक और सांसद से तो आपने उम्मीद छोड़ दिया, अब गांव की सरकार से आपको क्या उम्मीद? अब गांव की सरकार से पिछले 10 साल में तो बहुत उम्मीद किए थे, लेकिन पिछले 10 साल में उम्मीद को पानी फेर दिया है। अब लगता है हमारे इस क्षेत्र के जो सबसे बढ़िया जिला परिषद जीत कर आए हैं पूर्णिमा मल्लिक जी, उन पर तो हमें पूरा विश्वास। अच्छा एक बात बताइए, विधायक क्षेत्र के विधायक कौन भी कौन? हाँ। मंगल कालिंदी जी अभी है, पहले रामचंद्र सहील जी थे, अभी मंगल कालिंदी जी है, दोनों के दोनों ही बराबर है। अभी मतलब पिछले रामचंद्र सहीस ने भी कुछ नहीं किया, मंगल कालिंदी ने भी? रामचंद्र सहीस जी जाते जाते मेन रास्ता को बनाए ढलाई करके, कम से कम 12 साल बाद बनाने के बाद उसके बाद ही आके खोदना शुरू कर दिया, खुदाई गया। अब खुदाई गया था तो आवार बनना का कुछ नामे निशान। अच्छा, नहीं। सांसद महोदय कभी आते हैं कि नहीं? सांसद महाशय तो सिर्फ आते हैं फीता काटने और किसी को फूल देने के लिए, उसके बाद तो उनका भी दर्शन नहीं है। हम लोग मिलते हैं तो आश्वासन ही मिलता है, आज तक आश्वासन ही मिले आए हैं। तो बहुत बहुत कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है ये जुक्सलाई विधानसभा के अंतर्गत आता है। विधायक मंगल कालिंदी की बात करें तो उनको भी कोई मतलब नहीं है, सांसद विद्युत वरण महतो की बात करें तो उनको भी कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया है, स्थितियां जो है वो दिन प्रतिदिन विकराल हो रही है। 10 बार 2 टन के जिला परिषद भी बने लेकिन निष्कर्ष शून्य निकला। स्थितियां इतनी विकराल है कि लोगों के चेहरे पर, लोगों की वाणी पर आक्रोश जो है वो साफ नजर आ रहा है। ऐसे में इनका कहना है कि अब विश्वास किस पर करें जब स्थितियां जो है सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाँ बताइए क्या बात? हम यही अब लास्ट उम्मीद ये है कि अब तो हम लोग यहाँ पर सड़क उतरे हैं, अब आगे चल के हमारे जो जिला परिषद है उनके नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, आप ही बताइए कि क्या है समस्या, क्या लगता है, क्यों परेशानी है, क्या दिक्कत है? देखिए सर्वप्रथम आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर आपने उजागर किया है, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। इस क्षेत्र में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं और ये घनी आबादी होने के चलते यहाँ जो रोड है, रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, एक 15 फीट का रोड है और उस रोड में ऐसा क्षतिग्रस्त किया है सरकारी विभाग द्वारा, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन द्वारा अंडर केबल के नाम में जो गड्ढा किया गया है, उसके बाद अभी गैस कनेक्शन के नाम से गड्ढा किया है। रोड को हमको लगता है रोड है ये नहीं, सिर्फ गड्ढा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस जो भी सरकारी प्रक्रिया हो, काम करने अगर आ रही, अच्छी बात है कि धरातल पे काम हो रहा है, लेकिन उस काम को भी पूरा करना है। मान लीजिए पाइपलाइन का काम हुआ है तो उसको लेवल करके ढलाई करने की ये नियमता है, लेकिन कहीं ना कहीं पदाधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पहले थे, मिली भगत से आज ऐसा परिस्थिति हम लोग को देखना मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसको अविलंब मरम्मत कराया जाए जिससे यहाँ के आने जाने लोगों को सुविधा मिले। कुछ ने कहा कि वर्तमान विधायक जो हैं वो नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, वर्तमान सांसद नहीं समझ रहे, नहीं सुन रहे हैं, पूर्व के अगर विधायक की बात करें तो वो भी नदारत रहे, तो यानी जनता को जनता के हाल पर छोड़ दिया गया, स्थितियां ऐसी ही विकराल बनती गई और चले आ रही हैं और लगातार जो है स्थितियां चलते जा रही हैं। देखना है कि और क्या परेशानियों से क्षेत्रवासी जो हैं वो जूझ रहे हैं। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं क्षेत्रवासियों की समस्या जो हैं उनको उजागर करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा यहाँ विराम लेते हैं। विद्यापल्ली ये क्षेत्र का नाम हुआ और आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच किस तरह से गड्ढा जो है वो विभाग के द्वारा खोदा गया है, किस विभाग के द्वारा खोदा गया है, क्या कुछ कार्य हुआ है, क्षेत्र के वासी जो है वो पूरी तरह से उन्हें अंधेरे में रखकर यह कार्य किया गया है। हम आपको जो सड़क के बीचों बीच नाली गड्ढा दिखा रहे हैं, ये गड्ढा नाली के तरह दिख रहा है, यानी अगर एक अनजान व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया जाए तो वो यही सोचेगा कि क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच नाली का निर्माण किया गया है, लेकिन नाली नहीं है,
हैं। ये गड्ढा एक ऐसा गड्ढा है जो क्षेत्रवासियों को एक ऐसे मौत के मुंह में ढकेल रहा है, जो रात के समय अगर बुजुर्ग इस क्षेत्र से गुजरे या फिर भारी बरसात हो जाए तो लोग जो हैं वो दुर्घटना के शिकार होंगे, लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे परसूड़ी क्षेत्र में जो है स्थितियां जो हैं वो विकराल होती जा रही हैं। हमने पहले आपको त्रिवेणी चौक के आसपास के का क्षेत्र दिखाया, अब हम थोड़ा अंदर आ गए हैं, विद्यासागर पल्ली यहाँ आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्थितियां कैसी है। हम क्षेत्रवासियों से बात करते हैं, ये क्या है और किस लिए इस चीज का निर्माण किया गया, क्या है ये नाली है? ये नाली नहीं है, ये गैस पाइप लिया जा रहा है और ये करीब एक महीना से इसी तरह है। इन लोग इसको बोला था जो कंक्रीट कर देगा, पर एक महीना से कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हम लोग का पास में जो भी है वो उससे थोड़ा सा गड्ढा मैंने आपको कम दिखाई दे रहा, पर एक्चुअली और भी अधिक गड्ढा था। और इसमें प्रॉब्लम यही हो जा रहा है, जो आए दिन मोटरसाइकिल सब स्किट कर रहा है, गिर रहा है, बुजुर्ग आदमी लोग समझ नहीं पा रहा है। पानी जब हो जाता है, जब समतल हो जाता है, भर जाता है, तब समझ में नहीं आता है, तब क्या होता है, उन लोग उसमें गिर रहा है। इस तरह मैंने बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। आपने जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं हाँ। या फिर जिस विभाग के द्वारा यह कार्य किया गया है, आपने उनको अवगत कराया अपनी परेशानियों से? एक्चुअली कौन विभाग कर रहा है ये हमें अच्छा से पता नहीं चल रहा है। उन लोग का अभी तो कोई प्रतिनिधि इधर दिखाई नहीं देता है। हमारे यहाँ के जो मानिक मल्लिक जी हैं उनको हम लोग खबर किए हैं, तो वो उसको ही बोले हैं जो हम लोग को इसको राहत दीजिए, नहीं तो हम लोग काफी प्रॉब्लम में है। कुछ दिन तो हम लोग सोचा था जो होगा। क्षेत्र में बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है, किन परेशानियों का सामना आपको इस समय वर्तमान? हम लोग को बहुत किस्म की परेशानी है, जैसे अपना घर से गाड़ी भी निकल नहीं सकते, हर दिन आसमान पानी बारिश होने से पूरा पानी भर जाता है, उसमें पूरा गिर रहा आदमी लोग, किसी का माथा फट रहा है, ये सब तो अच्छा नहीं है, जल्दी से जल्दी इसको ठीक हो जाए। अच्छा, आसपास के जो लोग हैं वो संबंधित विभाग के पास गए थे या किसी विधायक या सांसद या फिर मॉर्निंग मलिक जी के पास में? आप लोग जो विभाग है गैस एजेंसी के द्वारा जो कार्य किया गया उसके बारे में हम कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं है, ये तो ठेकेदार जो है उसी का गलती है, ऐसा करके क्यों छोड़ दिया? कितनी आबादी है पूरे क्षेत्र में अगर अनुमान लगाया? 20,000 आबादी है। इस 20,000 आबादी का ये जो स्थिति है, ये जो एरिया है, चारों तरफ सड़क का यही हाल है, पूरा चलने लायक नहीं है। रात को तो आपको दिक्कत ही, कोई आदमी आने नहीं खोजता, परसूड़ी बोलने से डरता है। एक बात बताइए कि जब ये कार्य हो रहा था आप सभी ने विरोध नहीं किया? विरोध किए हम लोग, किए कि जैसे आप काम कर रहे तुरंत इसको रिपेयरिंग कीजिए, हाँ बोला कर देंगे तुरंत, लेकिन वो अपना बात पे कायम नहीं रहे। वापस नहीं। कितने लोग अब तक इस क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं? वो बहुत करीब, मतलब पानी भरने से या तो रोड जाम होने से हो ही गया है। ये तो हाल फिलहाल में परसों जो बारिश हुआ उसमें कम से कम 10 जन गिरा, पता ही नहीं चलता ना कहाँ गड्ढा है क्या। क्षेत्र की जो स्थिति है वो काफी भयावह है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा कर छोड़ दिया गया है पाइपलाइन बिछाने के नाम पर, लेकिन उस गड्ढे को पूरी तरह से भरना था, पर विभाग के जिस विभाग के द्वारा भी कार्य किया गया है उनके कर्मचारी उनके प्रतिनिधियों ने वैसे जैसे का तैसा ही छोड़ दिया गया। तो ऐसे में परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत होती जा रही हैं, लोग जो हैं गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब विभाग चाहे जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, अगर जिस विभाग के द्वारा एजेंसी जिस एजेंसी के द्वारा ये कार्य किया गया वो नदारद हैं, तो जिला प्रशासन को भी अब जागने की जरूरत है। अगर जिला प्रशासन नहीं जागती है तो साफ यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन के द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि और कितने लोग चोटिल होंगे और कितने लोग मौत के मुंह में जाएंगे और कितने लोगों की जो है स्थितियां जो है विपरीत होगी। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ भुई। कहाँ रहते हैं आप? बगल में रहते हैं जी। विश्वनाथ जी एक चीज बताइए कि ये जो स्थिति जो आप अपने क्षेत्र की बता रहे हैं, सराउंडिंग हम परसूड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, चारों तरफ की बात करते हैं, तो किन परेशानियों से विगत आप देख रहे हैं कई वर्षों से जो परेशानी है सड़क से संबंधित? मुख्य मार्ग की अगर हम बात करें तो मुख्य मार्ग में भी क्या विभाग पीएचडी विभाग या फिर बिजली विभाग के द्वारा इस तरह से गड्ढा वगैरह किया गया है? जी, पूरा गड्ढा, पूरा रोड जहां का अपना काम किया बस काम कर दिया निकल गया, लेकिन वो उसका सर्कुलर में जो है ये प्लास्टर करने वो सरफेस नहीं बनाया अभी तक। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक महीने पहले इस तरह का गड्ढा किया गया है,
अगर हम आपके त्रिवेणी चौक या आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो लोगों का कहना था कि 16 फीट के सड़क को 8 फीट कर दिया गया है, सड़क जो एरिया जो है वो पूरा कंजेस्टेड हो गया है, गड्ढा जो है पीएचडी विभाग के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा गड्ढे पे गड्ढा किया जा रहा है, पर कोई सुना है? आप किस नजर से देख रहे हैं कि आखिर ये लापरवाही जो है किस तरह से हो रही है, कहां लापरवाही हो रही है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, विभाग को क्या कदम उठाना चाहिए? विभाग को तो बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए इसको, क्योंकि ये पब्लिक का बहुत दिक्कत हो रहा है ना इसमें। और कि मतलब क्या बोले, बिजली का भी बहुत बड़ा समस्या है हम लोग के यहाँ। आज हम लोग 4 साल से ट्रांसफार्मर के लिए लिया रहे हैं, पूरा केबल वायरिंग होके पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर लगा नहीं। सड़क से लेकर बिजली तक, बिजली से लेकर पानी तक, यानी कहने का मतलब है मूलभूत सुविधाओं पर जो है लोगों की उम्मीद जो है वो कायम रहती है। अगर मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सड़क, बिजली, पानी, ये तीन चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए, हर एक अंतिम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ये तीन चीज़ें ही क्षेत्र से नदारत हो जाए तो क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से वीरान हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। वहाँ स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि लोग अब पलायन करते हैं, दूसरे जगह चल जाते हैं, फ्लैट चल जाते हैं, कहीं और ज़मीन लेकर के अपने घर मकान बनाने लगते हैं। स्थितियाँ जो हैं वैसी ही स्थितियाँ परसूड़ी क्षेत्र में आन पड़ी है। क्या लगता है क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं किस नज़र से आप देख रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? समस्या तो यहाँ पर बहुत ही है। पहला तो शाम को यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम है, पोल में लाइट नहीं जलता है, बना देने के बाद भी 1-1.5 महीना चलेगा, उसके बाद फिर से फ्यूज हो जाता है, ठीक है। रात को क्या होता है, रात को बुजुर्ग लोग को दिखता नहीं है, अपर डिपर सब मार के आता है तो उसमें गिरने का चांस रहता है, गिरा भी है बहुत, कोई चोट भी लगा है। हम लोग क्या अगल बगल में रहते हैं, पानी उनी दे के बैठा के रखते हैं। आप लेकिन क्या है? बड़े देर से हम आपको देख रहे हैं, आप बहुत गंभीर है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और कुछ बोलने को इच्छुक हैं। आप क्या किस नजर से देख रहे हैं इन परेशानियों? ये सड़क का जो बीचों बीच गड्ढा खुड़ा गया है, इसमें बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। हाल ही फिलहाल में अभी 10 से 12 एक एक्सीडेंट हो चुका है और इसमें बहुत कठिनाइयां सहने पड़ रही है। किलोमीटर तक जो अगर पूरे सराउंडिंग क्षेत्र की बात करें, कितने किलोमीटर तक सड़क का यही हाल है? पूरे 100 किलो यहाँ से ले करंडी तक कम से कम, नहीं तो भी 250 किलोमीटर तो हो गई। मतलब सराउंडिंग 50 किलोमीटर का यही हाल है? यही हाल है पूरा ग्रामीण क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र बिजली पानी और सड़क लेके यहाँ का जो बसिंदा है सब परेशानी में है। जबकि ये शहर से मात्र 2 किलोमीटर का अंतर में है। परेशानी सर यही है जो 1 साल पहले ये रोड हम लोग बनाया गया है विधायक को बोल के, काफी 10-15 साल से हम लोग मन्नत करके तब ये रोड बना। उससे पहले आपका हाइटेंसेंट लाइन किया था, उसके टाइम रोड कटिंग हुआ था, स्थिति 6 महीना से बिगड़ल था, उसके बाद फिर रोड बना, उसका 6 महीना के अंदर फिर गैस लाइन का दे करके कटिंग करके किया गया। और उस टाइम जब कटिंग हो रहा था तब शायद श्याम सिंह करके कोई ठेकेदार थे राजस्थान का कोई यहाँ पे ये करके, तो उनको हम लोग पर्सनली बोले, मोती जी भी बोले थे जो आप लोग इसको करने के बाद कम से कम 10-15 दिन का अंदर उसको फिलअप करा दीजिए। उसके बाद बोला जो ये गैस लाइन देने के बाद होली पर गया तो बोला हम लोग होली के बाद आके कर देंगे। तो आप होली के बाद सोच लीजिए 3 महीना पार हो गया है, अभी तक कोई आता पता नहीं है। मतलब हर कुछ महीने में किसी अन्य विभाग के द्वारा गड्ढा किया जाता है, 1 साल पहले हाइटेंशन, लेकिन उस गड्ढे को वैसे ही उसी हाल में छोड़ दिया जाता है। आप भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है? की है मेरा गेट का सामने। आप कहाँ रहते हैं वैसे? तो सामने ही है। हाँ। क्या दिक्कत हो रहा सड़क के बीचों बीच इस तरह का होने से? गाड़ी मैंने नामाते उठाते कष्ट पूरा भेंगे गए, स्लैब गुलो का पूरा भेंगे चुचिर कर दीचे, एक बार देखा सुन की अवस्था कर रखे दीचे। बच्चे से बच्चे, बड़ों की बात करें तो वो भी, और बुजुर्ग की बात करें तो उनका तो हम बात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लगातार चोटिल हो रहे हैं। स्थितियां जो है दिन प्रतिदिन विकराल हो रही है। बिजली, पानी, सड़क, सारी स्थितियों जो हैं विपरीत परिस्थितियां से जो हैं लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोग जो हैं सड़क पर अब उतरने को मजबूर हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अब वो जाएं तो जाएं कहां? विभाग के पास जा रहे हैं तो निष्कर्ष शून्य निकल रहा है। जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं तो चाहे पूर्व के जनप्रतिनिधियों की बात करें, पूर्व के विधायक की बात करें, वर्तमान के विधायक की बात करें, या फिर पूर्व के सांसद की बात करें, वर्तमान सांसद की बात करें, किसी पर इनको उम्मीद अब बचा नहीं है, किसी से इनको उम्मीद नहीं है। विभाग के पास जाते हैं तो स्थितियां विपरीत है, सुनना ही इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में अब ये जाएं तो जाएं कहां?
आगे करे तो करे क्या, हाँ इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अब समस्याएं जो है वो दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही है। अब आगे आप चूंकि क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आगे इन सब समस्याओं का निदान कैसे करेंगे, क्योंकि विभाग भी सुस्त है, प्रतिनिधि भी सुस्त हैं, सारे लोग सुस्त हैं, क्या करेंगे, किस तरह से समस्याओं का निदान करेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि इस क्षेत्र में जो भी समस्या कितने वर्ष से होके आ रही है, तो हमारे लिए बहुत चैलेंज का विषय है। और चूँकि हमने इसके पहले भी कुछ दिन पूर्व अभी ग्रामीण विकास का कार्य प्रमंडल के पास एक मांग पत्र भी सौंपा था, जिसमें सड़क का जिक्र भी हम लोग किए थे कि बहुत सारे 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग मिले थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द रोड की निर्माण होगा और हम इसमें प्रयास लगातार करेंगे। जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, हम लोग प्रयास लगातार करते रहेंगे। प्रयास जो है इनकी जारी है। प्रयास के साथ साथ अब विभाग को भी जागने की जरूरत है, जिला प्रशासन को भी जागने की जरूरत है, हर वो प्रतिनिधियों को जागने की जरूरत है। बहुत देर से आप आपस में समस्याओं को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, बताइए। नहीं, आप मेरा तो यही समस्या है कि जो रास्ते का बात बताइए, ये विद्यासागर पल्ली है, इस क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा किया गया है। अगर हम पूरे परसुड़ी क्षेत्र की बात करें तो हर जगह यही हाल है, यही हाल है हर जगह। ये मतलब पिछले कितने महीने से स्थितियां, कुछ लोग कह रहे हैं 1 महीने से, कुछ लोग कह रहे हैं होली के पहले से, एक महीना से। अच्छा, इस समस्याओं से अगर हम हटकर बात करते हैं तो इससे पहले क्या चीज समस्या, इसका पहले भी ऐसे ही ऊंचा करके रख, कोई अन्य विभाग के द्वारा वो खोदा, मतलब अभी गैस एजेंसी के द्वारा है, तो इससे पहले पीएचडी विभाग या फिर उससे पहले अगर बिजली विभाग, हाई टेंशन तार की, कुछ लोग जो है हाई टेंशन की समस्या का जिक्र कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम आपको भी दिखाना चाहते हैं कि क्या वो हाई टेंशन तार है जो लोगों के जान को जो है वो कभी भी लोगों के लिए वो खतरा बन सकता है, लोग जो है दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, क्या परेशानी। हम अपने सहयोगी अनवर से गुजारिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाली के बीचों बीच हाई टेंशन तार जो है वो इस तरह से हाई टेंशन तार को पास कराया गया है कि वो कभी भी एक खतरा का घर बन सकता है। लोग, बच्चे, मवेशी, कोई भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्थितियां ऐसी है, कहने का मतलब है हर स्थितियों से क्षेत्रवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है और अभी मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारी का प्रकोप जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा है। वैश्विक महामारी की बात करें तो वैश्विक महामारी से कुछ ही समय पहले हम सभी उभरे हैं। लगातार देश के प्रधानमंत्री, लगातार जनप्रतिनिधि लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि लोग साफ सुथरा रखें, अपने अपने क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें, क्योंकि महामारी के समय जो आपने स्थितियां देखी वो काफी विकराल स्थितियां देखी। अभी आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है, यानी स्थितियां यहाँ काफी दयनीय है। अगर दयनीय नहीं होती तो कैमरे के सामने सैकड़ों हजारों लोग एकजुट नहीं होते और अपनी परेशानियों से अवगत नहीं कराते। तो कहने का मतलब है कि अब भी समय है कि विभाग जागे, अपने सुस्त रवैये को वो बाहर करे, दूर करे, सुस्त रवैये से वो बाहर आए और फिर इनकी समस्याओं को सुने। अन्यथा जो समस्याएं हैं इससे लोग दुर्घटना के शिकार होंगे। जिस तरह से हाई टेंशन तार हमने आपको दिखाया, जिस तरह से हमने सड़क के बीचों बीच गड्ढे को दिखाया, जिस तरह से हमने कचरे के अंबार को दिखाया, वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि स्थितियां जो हैं वो दिन प्रतिदिन विकराल हो रही है। ऐसे में हम भी आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से, हम भी आग्रह करेंगे हर वो विभाग से, जो वो विभाग किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने काम को कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से अपने कार्य को करें, अन्यथा जो चोटिल हो रहे हैं, लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, उसकी जवाबदेही विभाग की होगी। हम अपील करना चाहेंगे क्षेत्र के विधायक से, सांसद से, कि वो जागे और अपने क्षेत्र का दौरा करे और लोगों की समस्याओं से अवगत होकर उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करे, अन्यथा स्थितियां और विकराल होगी, लोगों का जनप्रतिनिधियों के ऊपर से विश्वास उठेगा और फिर मतदान के समय, फिर चुनाव के समय उन्हें क्षेत्र छोड़कर भागने की नौबत आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगले कार्यक्रम में किसी अन्य क्षेत्र की समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे और आज के लिए जितने भी हमने समस्याओं से आपको अवगत कराया, हम अपने न्यूज 11 भारत के माध्यम से अपील करेंगे जिला प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से कि वो जागे और जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करें। दीजिए इजाजत प्रवीण को। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।